वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट लच्छा आलू पराठा बनाते हैं, वो भी मेरा फेवरेट मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो ये बड़ा सिंपल सा है, झटपट बनने वाला है। तो यहाँ देखें, हमारे पास 1.5 कप गेहूं का आटा है तो ये डाल दिया, और 1.5 कप मैदा है ये भी डाल दिया। अब दोनों इसलिए ले रहे हैं कि गेहूं का आटा जो है हेल्दी है, और ये जो मैदा है उसको डालने से आलू का एक्चुअल पराठा जो है ना उसका फ्लेवर इन्हेंस भी होता है और लच्छे भी अच्छे बनते हैं। इसमें साथ ही हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून तेल, और अब ग्लव्स पहनेंगे और अच्छे से आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ हमारे पास रूम टेम्परेचर पानी है, 2 कप लिया है, मैं बताती हूँ आपको कितना गया। और अगर लच्छा पराठा आलू का अच्छा बनाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कपड़े और बोल की मैचिंग ज़रूरी है। जस्ट किडिंग। इस तरह का आटा बनाने के लिए हमने 1.25 कप यूज़ किया है पानी, तो बस इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे। तो अभी कम्प्लीटली नहीं गूंदेंगे, इसकी वजह यह कि अभी जब गूंदते हैं ना, जब टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है, और अगर आप इसको रेस्ट दे देंगे और उसके बाद सिर्फ 10-20 सेकंड भी करेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। तो इसे हम कवर कर देते हैं और साइड में रख देते हैं। तो अब आलू को ले लेते हैं। तो यहाँ आलू हमारे पास है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। बस थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिए थे इस तरह से, तो हाथों से थोड़ा सा मैश कर देते हैं। वैसे तो मैंने आलू पराठा बनाया है और बहुत तरह के पराठे बनाए हैं, लच्छा पराठा भी बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम दुकान का लिस्ट दे देंगे, लेकिन लच्छा पराठा आलू का पहली मरतबा बना रही हूँ। तो देखिए थोड़ा थोड़ा हमने मैश कर दिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालते जाएंगे और मैश करते जाएंगे। तो मसाले कुछ यूँ हैं कि 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें। मेरी तेज़ नहीं होती, अगर आपकी तेज़ है तब आप चाहे तो 1 डाल दें, 2 टीस्पून डाल दें। साथ ही इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया। बड़ा सिंपल सा है और मज़े का है। अब इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बड़ी शानदार सी खुशबू आ रही है। तो इसमें अब हम डाल देंगे अराउंड 1 टेबलस्पून के आसपास तेल। इसकी वजह है कि आलू जो है ना वो बड़े ड्राई से हो जाते हैं, तो इसको डालने से थोड़ा सा इसमें एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा, रूखापन ख़त्म हो जाएगा। ये देखें इस तरह से एक बाइंडिंग टाइप का आ जाएगा। तो ये हो गया, इसे भी कवर कर देते हैं और 10 मिनट में मिलते हैं जब तक आटा सेट हो। देखिए 15 मिनट हो गए हैं, तो आटा ले लेते हैं अपने पास। और अब देखिए हमने मेहनत ही नहीं की थी ना, अब आटा को लेंगे और ज़रा सा यूँ करेंगे ना तो इतना स्मूथ और अच्छा डो हो जाएगा। वो जो शुरू की जो मेहनत है ना वो बस छोड़ दें और लास्ट में 10-20 सेकंड दे दें तो लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी, ख़ासतौर से हम जैसे काम चोरों के लिए जो सोच रहे होते हैं किस तरह एस्केप करें। इसी तरह तो शॉर्टकट्स निकलते हैं ना। अच्छा, तो आप बेसिकली अपनी तारीफ में बहुत हो गई, इसको आधा कर लेते हैं। तो आधा अभी रख देंगे और आधा यूज़ कर लेते हैं।
एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। अब इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, जो कि थोड़ा सा राउंड कम हो वो हम चाहेंगे, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर टाइप की। अब ड्राई फ्लावर भी डाल के इसको और भी बड़ा कर लेंगे। तो ये देखें, हमने एक मोटी सी रोटी बेल ली, और जैसे कि कहा था राउंड नहीं चाहिए, तो ये राउंड नहीं है। देख ले थिकनेस किस किस्म की है, इस तरह की। अब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। तो यहाँ मेरे पास कोकोनट वाला ऑयल है, कोई भी ऐसी चीज़ लगा सकते हैं जो अंदर जाके सेट हो जाए। बस इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं, मॉडरेट। और हल्का सा फ्लावर डस्ट कर देंगे इस तरह से। फ्लावर डस्ट हो गया, और अब इसको हम रोल करेंगे। तो ये वाला शॉर्ट है ना, ये वाला लॉन्ग है, तो लॉन्ग वाले पोर्शन से इस तरह से मोड़ेंगे। ये रोल हो गया, और अब ये इस तरह से बराबर कर लेंगे ताकि सारे लेयर्स जो है वो साथ हो जाए। यूँ ये इस तरह से फैला के, और ये यूँ कर देंगे, थोड़ा सा हाथों से इवन कर लेंगे, टाइट भी कर लेंगे थोड़ा सा। इसी तरह का एक और बना लेंगे। इसको साइड पर रख देते हैं, और सेम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये भी हो गया, दोनों को साथ रखेंगे इस तरह से। तो अब इसे हम काट लेंगे जितनी साइज़ के हमें पराठे चाहिए। तो मैं मीडियम बना रही हूँ, ना छोटे ना बड़े, तो मैं 8-8 इंच के काट रही हूँ। तो ये हो गया, और ये देखें हमारे लच्छा जो है ये रेडी है इस तरह से, ये देखें। तो अब इंडिविजुअल हमें नहीं करना है, तो ये रेडी टू गो है। तो बस इसको अब आराम से हम यूँ दबा देंगे, यूँ खोलते हुए। तो बस इसी तरह से करके रखते जा रहे हैं। अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ देखें, मैंने दोनों तवे रख दिए, और दोनों को रखा है मीडियम लो पे, और अब बनाना शुरू करते हैं। तो इसको एक को लेंगे, हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। बस इतना बेलेंगे, और इसके पार्टनर को भी बेल लेंगे सेम साइज़ का बेल लेंगे। तो दो तवे रखे हैं, तो पहले दो बनाते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये बेल गया, अब इसके अंदर हम डालेंगे आलू। चूंकि आलू का पराठा है तो आलू डालेंगे। तो एक बॉल ले लेंगे इस तरह से, इस तरह से डाल देंगे, और अब किनारे पे पानी लगाएंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी जो है वो रख देंगे। हाथों से इस तरह से दबा देंगे,
हाथों से थोड़ा फैलाएंगे, पलटेंगे तो उलट पुलट के। अगर आप चाहें तो बेलन से लाइटली कर लें, हाथ से कर लें, या शुरू में हाथ से करके फिर बेलन से कर लें, फील फ्री। अब ये लाइटली बिल्कुल मैं बेलन से कर लूँगी। तो ये देखें, हमने अच्छे से ये बेल लिया। और अब तवे को हमने रखा था मीडियम लो, तो मीडियम लो ही रखेंगे और इसको डाल देंगे। तो बस अगेन सेम इसी तरह से पानी डाल देंगे थोड़ा सा और दूसरी रोटी रख लेंगे। सिंपल, इजी एंड फन। अब इसको पलटते हैं। देखिए हल्का हल्का सा कलर आया है। अब इस पॉइंट पर चाहे तो घी लगाएं, तेल लगाएं, जो आपको लगाना हो लगाएं। मैं यहाँ तेल लगा रही हूँ और नीचे भी लगा रही हूँ। इसको अब हम अच्छे से सेकेंगे। तो चले, दूसरा भी हो गया हमारा, तो उसको दूसरे तवे पर डाल देते हैं। तो ये देखा कितना इजी था, अलग अलग पेड़े भी नहीं बनाने पड़े और धड़ाधड़ पेड़े भी बन गए। फिलिंग डालना भी इजी है, सब बड़ा इजी है और बड़ा मज़े का भी है। पलटते पुलटते वे क्रिस्पी करेंगे। ये जो है ना, ये वेट अगर इसको डाल देंगे यूं, तो ये सेकने में बड़ा इजी रहता है, इससे क्रिस्पी भी हो जाते हैं। है तो पोटैटो मैशर लेकिन जाइगेंटिक है। तेल लगा लेंगे सेम उसी तरह। और अगर आप चाहें, डाइटिंग चल रही है सपोज, तो बस इसी तरह से सेक लें, ज़रूरत ही नहीं है तेल डालने की, तब भी बड़ा मज़े का लगेगा। उतर के थोड़ा सा घी डाल दें या बटर डाल दें, बड़ा अच्छा लगेगा। आप फ्लेम कर देते हैं मीडियम लो और लो के दरमियान। पहले बिल्कुल ही लो रखी थी ना, अब मीडियम लो, लो के दरमियान कर देते हैं। आहा, क्या शानदार कलर आया है। तो ऑलमोस्ट हमने 8 से 10 मिनट तक ईच पराठे को सेका है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारे आलू लच्छा पराठा बन गए, मानते? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। तो ये देखें, कैसा लच्छा ही लच्छा है। आवाज़ देखें, कुरकुर है। आहा, और अब मैं ये तोड़ूंगी। ये देखें, 1 बिलियन लच्छे। मार डाला। मेरी मोस्ट फेवरेट चीज है आलू पराठा। इसका अमेजा भी ऐसा चटपटा खतरनाक है और फिर लच्छे ही लच्छे। आहा, किसके साथ खाऊं? अचार के साथ खाऊं? दही के साथ खाऊं?
चाय के साथ खाऊं, आप लोगों के साथ खाऊं। कातिलाना खतरनाक। आप लोगों के लिए तो बाइट बनता है। ये देखें, अंदर से देखें, माली माल है, माली माल है। कातिलाना खतरनाक बना बनता है। नाश्ते में बनाए, डिनर में बनाए, लंच में बनाए, जिसमें भी बनाए, पेड़े बना के रख दे, जब दिल चाहा दो बेले आलू डाला, झटपट बना के दे दिया। इसी तरह भी रख देंगे तो क्रिस्पी करके आप देंगे, बड़ा मज़े का लगेगा। लेकिन बनाना बनता है, वरना ज़िंदगी में एक बहुत ख़तरनाक चीज़ मिस करेंगे, तो वो भी कितनी सस्ती और सिंपल। तो चले जल्दी जाए, बनाए, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल पर ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।